बार यहाँ पे विजिट करो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। देव भाई को सपोर्ट कीजिए। और देव भाई ने नमनी हमको कॉल किया, बोले भैया हम आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो देव भाई से भी मुलाकात हो जाएगा। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं आया हूँ माँ छिन्नमस्ती के मंदिर। आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो माँ छिन्नमस्ती के मंदिर का पूरा फुल वीडियो दिखाऊंगा, वहाँ का एक्सप्लोर करूँगा क्या क्या है नहीं है। और यहाँ का एक यूट्यूबर भैया है गुप्ता जी टेक्निकल, उनका एक यूट्यूब चैनल है और 2 लाख सब्सक्राइबर है, तो उनसे भी आप लोग को मिलाऊंगा। और वो यहीं पे रहते हैं, तो वो भी बहुत सारा चीज़, इनका यहाँ शॉप भी है, तो वो और भी डिटेल से हमें बताएंगे इस छिन्नमस्ती के मंदिर के बारे में। और जहाँ तक हमें पता है कि ये मंदिर शक्तिपीठ में भारत का दूसरा नंबर में आता है। तो चलिए यहाँ का सीन दिखाता हूँ। हे गाइस, मैंने आप लोग को बताया था कि रजरप्पा मंदिर का सीन आप लोग को दिखाऊँगा, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। ये सीन देखो आप, पूरा रजरप्पा मंदिर का सीन। तो ये रजरप्पा मंदिर का ये शिव मंदिर है ये, और माँ छिन्नमस्ती का भी सीन दिखाऊंगा। तो ये मंदिर का सीन है और मैं आगे दिखाता हूँ पूरा इस एरिया में, पूरा मंदिर दिखाऊंगा, साथ ही पूजा भंडार भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो चैनल में बने रहें और आगे दिखा। तो गाइज, अभी यहाँ से आओगे आप लोग, अगर पूजा करने आते हो तो इस रास्ते से आ सकते हो आप लोग। आप देख रहे हैं इधर सीढ़ी, और बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा है, यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। आप लोग को दिखाता हूँ माँ छिन्नमस्ती के मंदिर का, ये भारत का दूसरा शक्तिपीठ मंदिर में ये जाना जाता है। आप इसे गूगल सर्च मारोगे तो देखोगे कि दूसरा शक्तिपीठ में ये मंदिर आप लोगों को दिखेगा, माँ छिन्नमस्तिके का है। बहुत ही अच्छा है, हिंदू टूरिज्म में भारत में और झारखंड में तो सबसे ये पहला स्थान में आता है माँ छिन्नमस्तिके मंदिर। और अगर आप यहाँ आना चाहोगे तो आप रामगढ़ से करीबन 20 किलोमीटर आप लोग को मिलेगी, और रांची से भी आप आ सकते हो। तो अभी यहाँ का सीन देखिए, और यहाँ पर आएँगे तो आप यहाँ फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हो। तो यहाँ का सीन देखिए और मैं कुछ सिनेमेटिक तरीके से आप लोगों को दिखाता हूँ। आज हम दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। मंदिर परिसर से हम अभी बाहर निकल चुके हैं, और दामोदर नदी और भैरवी नदी का संगम आप लोगों को अब दिखाई देंगे। यहाँ पे उससे बाहर में इस तरह से आप लोगों को मिलेगा शॉप, जहाँ पूजा भंडार है और बहुत सारा चीज़ यहाँ पर खरीदोगे। तो हम अब ऊपर के छत से आप लोग को सीन दिखाते हैं दामोदर नदी और भैरवी नदी का संगम। तो फाइनली हम सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ का नज़ारा आप देखोगे एक बार, क्या नज़ारा है एक बार मैं दिखा दूँ आप लोग को। ये मैं छत पे पहुंच चुका हूँ, ये देख लो यहाँ का सीन देखो यार, एक बार आके देखो रजरप्पा मंदिर, यहाँ का सीन देखो एक बार। ये भैरवी नदी है, इधर से आता है वो भैरवी नदी है, और दामोदर नदी दोस्तों आगे चल के दिखाऊँगा उधर से आती है, उधर भी एक नदी है जो उधर से वहाँ पर संगम होती है। तो गाइस, एक बार आप यहाँ पे विजिट करके देखो, ये मैं छत से सीन लिया हूँ नीचे का, ये पूरा देख सकते हैं पूरे पत्थर है, और पत्थर के ऊपर पानी बह रहा है, ये पूरा भैरवी नदी का बहाव तेज़ी से देख सकते हैं। साइड साइड में नहाने धोने का इस तरह से बनाया गया है, आप कभी भी आओगे तो यहाँ सारा सुविधा आप लोग को मिल जाया करेगा। आप देख रहे हैं कुछ लोग नहा भी रहे हैं, एक बार विजिट करो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने को मिलेगा। और क्या बताऊँ, इतना अच्छा लुक है, दो नदियों का यहाँ पे संगम है, और यहाँ पे देखो आपको आगे देखने को फॉल भी मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। रजरप्पा मंदिर उस इलाके में है, पूरा इलाका है उधर मंदिर का, और हम हैं देख रहे हैं भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम में। क्या मस्त लुक आ रहा है यहाँ पे, मैं दिखा दूँ, ये देखो भाई क्या मस्त लुक है। साथ में बोटिंग का सुविधा दिया गया है, और कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं उधर भी गए हुए हैं, ये आप लोग को दिखा दूँ, देख रहे हो वहाँ पर लोग बोटिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, पूरे मस्त इलाका है, एक बार यहाँ पे विजिट करो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, और टूरिस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, वो यहाँ पे पूजा भी कर सकते हो। गाइस, ये व्यू हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस तरह से व्यू है, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं लोग, इधर से देख रहे हैं भैरवी नदी का संगम और इधर दामोदर नदी का संगम, दोनों का मिल के यहाँ पे संगम हो रहा है, और लोग इधर बोटिंग कर रहे हैं, क्या मस्त नज़ारा है यार। तो गाइस, आप लोग को दिखा दिया दामोदर नदी और भैरवी नदी का वो संगम, अब हम चले हैं दूसरे छोर से, जहाँ से दामोदर नदी बहुत ही अच्छा दिखेगा वो उसी इलाके पे चले हैं, वहाँ छत से आपको सीन दिखाएंगे। और उस जिस रास्ते से आए हैं यहीं पे वो मंदिर का सीन है, आप इधर से भी देख सकते हैं माँ छिन्नमस्तिके का सीन। और ये इलाका देख रहे हैं पूरा साफ़ सफाई हो रहा है, यहीं पर आपका लाइन होगी और पूजा करोगे यहाँ लाइन लग के, एक बार विजिट करो अगर आप झारखंड से हो तो, और भारत से भी कहीं से भी हो, झारखंड के टूरिज़म में ये आता है और फर्स्ट नंबर में है, और शक्तिपीठ भी माना गया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी भी होती है। अब यहाँ से माँ छिन्नमस्तिके मंदिर का सीन आप लोग को पहले दिखाता हूँ, फिर आप लोग को दामोदर नदी दिखाऊंगा। यही है वो, चारों तरफ चार मंदिर है, साथ में सबसे बीच में है वहीं पे पूजा किया जाता है, चारों तरफ
सब में माता लोग है। और उधर है शिव मंदिर, वो देख रहे हैं छिन्नमस्तिके मंदिर के बस बगल में शिव मंदिर ये है। और हम चलते हैं अब आप लोग को दामोदर नदी और भैरवी नदी का संगम मैं एक साइड से दिखाया, अब दूसरे साइड से दिखाता हूँ जिसमें दामोदर नदी बहुत ही अच्छा दिखेगा। यहाँ का नज़ारा देखो आप, वहाँ पे जो वहाँ भगवान बजरंग बली का वहाँ पे मूर्ति है, आप लोग को जूम करके मैं दिखा दूँ, ये देख लो आप एक बार, वो है भगवान बजरंग बली की मूर्ति पूरा पानी पे है, देख सकते हैं। और यहाँ का सीन एक बार देखो यार, क्या बोटिंग वगैरह सारा चीज़ है। ये है नीचे का सीन, ये है दामोदर नदी और उधर है वो भैरवी नदी, वहीं पे संगम होती है और आगे जाती है। आज हमारे साथ केशव भैया हैं जो गुप्ता जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल है, और काइन मास्टर से एडिटिंग जो मैंने बताया था आप लोग को कि वो सब बताते हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं और कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में, और कुछ अपने बारे बताएंगे कि किस तरह से इनका स्ट्रगल रहा, अभी क्या चल रहा है इनके यूट्यूब चैनल में। और आप लोग चाहें तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, इनका चैनल में आप जाके विजिट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देव भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो रजरप्पा विजिट किए, और रजरप्पा वो आए हुए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। तो जितना भी हो सके देव भाई को सपोर्ट कीजिए। और देव भाई रेंडमली हमको कॉल किए, बोले भैया हम आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो देव भाई से भी मुलाकात हो जाएगा आज। और देव भाई को जितना चाहे आप सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, और काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन का आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा इसका चैनल में। और मैं जो हूँ काइन मास्टर से ट्यूटोरियल बनाता हूँ, मेरा नाम केशव कुमार गुप्ता है, मैं रजरप्पा मंदिर से हूँ। अगर आप कभी भी रजरप्पा मंदिर आएँ तो हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करना, मैं रिप्लाई सबको देता हूँ। फिर मिलते हैं, बातें करते हैं। और हमारे जो मेन चैनल में है काइन मास्टर ट्यूटोरियल ही मिलता है, तो आप काइन मास्टर से ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं या देखने का इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं हमारे चैनल में, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज केशव भैया से हमने आया, इनसे मिला, इनका 2 लाख सब्सक्राइबर है, इनको फिर भी इनसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो इनसे बात कर सकते हैं। इंस्टा में बस मैंने हाई किया था, इन्होंने तुरंत हमको रिप्लाई किया, इनसे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिए और इनसे बात हुआ तो इन्होंने बोले कि ठीक है आओ हम तुमसे मिल देंगे और बात भी करेंगे और दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा। तो ये हम एक चीज़ हम यहाँ पे देखे कि रजरप्पा मंदिर में तो ये देवी माँ है जो उनका सर कटा हुआ है, तो उसके बारे में कुछ ऐसा है क्या, कुछ कहानी वगैरह कुछ बता सकते हैं देखिए, इसका उनका? तो बहुत लंबा कहानी है, और अगर बताने जाए तो अभी बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको सर्च करना होगा गूगल में, उसमें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा कहानी है और बता पाना संभव भी नहीं है तो अभी। गाइस गूगल में आप सर्च मारोगे तो ये मंदिर का सीन तो बहुत सारा चीज़ बताएगा उसके बारे में, क्या क्या है नहीं है, और ये भारत में और हमारे झारखंड में क्या टूरिज्म में बता दीजिए भारत क्या में है ये यहाँ। दूसरा स्थान में आता है, और यहाँ पे आप नौका विहार वगैरह कर सकते हैं, सामने दामोदर नदी भैरव नदी का संगम स्थल देख सकते हैं। और पिकनिक के लिए तो सबसे बेस्ट पैलेस है अभी झारखंड में, बाकी तो खैर रजरप्पा में आप कभी भी आके पूजा कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। कभी भी अगर आपको आनंद लेना हो तो आप एक बार रजरप्पा पधारिए, और मैं तो यहाँ पे हमेशा रहता ही हूँ आप लोग का सेवा में। तो गाइस आपने सुना कि यहीं के जो है गुप्ता जी टेक्निकल केशव भैया ये सारा चीज़ यहाँ की चीज़ बता चुके हैं, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आप लोग को मंदिर भी सिनेमेटिक तरीके से भी आप कुछ दिखा देता हूँ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर एक नए ब्लॉग में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।